नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर नंबर वन क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, रिवराइट देम करेक्टली बाय चेंजिंग आइदर वन और टू वर्ड्स। इसमें ए है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो देखिए इसको हमने राइट करके क्या लिखा है, सीलेटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझ में आया आपको। फिर भी क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनीज। तो इसको हमने करेक्ट करके क्या लिखा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन इनर लेयर ऑफ स्किन। ओके, फिर यहाँ पर सी क्या है, देखिए क्लोरिंग चाइमा हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। तो इसका आंसर, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए एरेनकाइमा हेल्प्स द प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। फिर यहाँ पे अगला डी क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्राइटेड मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ई है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू। इसमें आएगा क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज ऑड। देखिए इसमें ए में जाइलम दिया है, फ्लूएम दिया है, फिर परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो इसमें ऑड क्या होगा, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ऑल अदर्स आर परमानेंट टिश्यू। ओके, फिर यहाँ पर बी क्या है, एपिथेलियम मसल फाइबर नर्व फाइबर एपिडर्मिस। तो इसमें क्या आएगा, मतलब ऑड क्या होगा, एपिडर्मिस, ऑल अदर्स आर एनिमल टिश्यू। सी क्या है, कार्टिलेज बोन टेंडोन कार्डियक मसल। तो इसमें क्या है, कार्डियक मसल, ऑल अदर्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो यहाँ पे क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। इसमें ए है टिश्यू लाइनिंग इनर सरफेस ऑफ माउथ। तो इसमें आएगा स्क्यूमस एपिथेलियम। ओके, बी है यहाँ पर टिश्यू जॉइनिंग मसल्स एंड बोन्स। तो इसमें आएगा टेंडोन द कनेक्टिव टिश्यू। फिर यहाँ पर सी, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट्स। तो इसमें क्या आएगा, एपिकल मेरिस्टम। डी यहाँ पर है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ स्टम। तो इसमें क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो इसमें क्या है, राइट द डिफरेंसेस। इसमें पहला है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। तो देखिए इसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स एंड सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स। आप देख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर फिफ्थ वन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें ए है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो देखिए हमने यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है पर आप लिख सकते हो। ओके, ये देखिए, आप एक बार ना इसको पूरा देख लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा दूँगी जिससे कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे पाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बी है जाइलम। तो इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। सी है यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल। तो आप देख सकते हो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। डी है यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर ई है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, ये देखिए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एफ है सेरिकल्चर। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो।
ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 आ जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने लिखा है। क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, विच टू मेन टेक्निक्स आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो, देख लीजिए इसको अच्छे से। अब यहाँ पर 8th वन क्या है, डिस्कस एग्री टूरिज्म इन द क्लास एंड राइट द प्रोजेक्ट ऑन एन एग्रो टूरिज्म सेंटर नियर बाय, प्रेजेंट इट इन द क्लास इन ग्रुप्स। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, फिर यहाँ पर 9th वन क्या है, डिफाइन द टर्म टिश्यू एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। तो देख लीजिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। चलिए इतना आपने देख लिया, अब यहाँ पर 10th वन क्या है, रेयरिंग ऑफ शिप इज अ लिव स्टॉक जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।